हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे फर्स्ट हम लोगों के ब्लॉग का और आज हम जाने वाले हैं इंस्टीट्यूट। और अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और आज मुझे उठने में हो गई थोड़ी सी लेट। तो चलो गाइस, बेड छोड़ने का समय आ चुका है, तो यहाँ से अब हम लोग बाहर निकलते हैं। ये ठंड में सुबह सुबह उठ के बाहर जाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये देखो, ये हमारा एक रूममेट है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये अभी तक सो ही रहे हैं। ऐसा लगता है कि 10-12 घोड़े बेच कर सो रहे होंगे, काफ़ी रिलैक्स होती है। तो चलो गाइस, रूम से बाहर निकलते हैं, थोड़े से फैन को साइड में फंसवा देते हैं। भाई तो फैन को साइड में फंसाने के बाद हम जा चुके हैं बाहर। बाहर जाएंगे थोड़े से बाहर के मौसम की जानकारी लेंगे कि कैसा मौसम है आज का। ये हमारा गेट एक घंटा अनलॉक किया और उसके बाद वाह, काफ़ी खूबसूरत मौसम है आज का, आप देख सकते हो। और मैं हूँ अभी पटना में और ये है पटना का फुलवारी शरीफ नगर, और वहाँ खड़ी है मेरी बाइक जिससे आज हम लोगों को एयरलाइन इंस्टीट्यूट जाना है। तो चलो गाइस, मिलता हूँ अगली ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस, हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और ड्राइव करेंगे हमारे प्यारे ड्राइवर मिस्टर सारिक। फाइनली गाइस, मौसम आज का चेंज हो चुका है। सुबह में थोड़ी सी धूप लग रही थी तो मुझे लगा कि मौसम आज का साफ होगा, पर थोड़ी ही देर बाद बारिश हुई। और ये देखो यहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो चुका है और यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा ही कीचड़ हो चुका है। और ये बारिश में ये कीचड़ वाले रास्ते पे कीचड़ चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे मुझे बारिश का मौसम पसंद है, बट ये कीचड़ मुझे पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ होता है। तो चलो गाइस, आज का प्लान बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पहले हम लोग जाने वाले हैं बैंक, और बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। शायद वहाँ पे इस गधे को कोई छोटा सा काम है तो उसको पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने इंस्टीट्यूट पर। तो चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे और यहाँ पर कीचड़ कम है, तो मैं सारा अपना पैनल चेक करता हूँ। देख सकते हो, अभी से आज मैंने सुपर किया, मेरे को जितना गंदा लगता है और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है जब आप इसी जूता सफर उसी गंदा हो जाए। तो फाइनली गाइस, एक घंटा मेहनत करने के बाद हम लोग को अपना नया ATM और पासबुक मिल चुका है हमारे दोस्त को, और अब हम लोग जा रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई हम लोगों को। पहले तो उन लोगों ने बोला कि पहले टेबल नंबर 1 के पास जाओ, फिर बोला कि टेबल नंबर 2 के पास जाओ। उस तरीके से सारा मेहनत करने के बाद इस बंदे को इसका ATM और चेकबुक दोनों मिल चुका है, और ये उस टाइम काफ़ी खुश लग रहा था। इवन कि वहाँ के जो स्टाफ थे वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, पर वो भी बोल रहे थे कि ये बंदा आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। और जब उन्होंने बोला कि आज तुम काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, तो इसने बोला कि नहीं अंकल, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला और कि नहीं, परेशानी की कौन सी बात है। तो ये इसने बोला कि आज मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सिखाई आज हम लोगों को, एक थॉट दिया कि टेंशन कभी लेना नहीं चाहिए, टेंशन हमेशा दूसरे को देना चाहिए। टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, टेंशन देने की चीज़ है। तो ये काफ़ी मज़ेदार बात लगी मुझे। चलो गाइस, हम लोग चल चुके हैं अपने एयरलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ, और फ्लाइट हाई करना है हम लोग आज। और वापस एंट्री हमको फिर से एक बार और टैंक जाना होगा, क्योंकि अभी पासबुक मिलना इसको बाकी है। तो मुझे तो लगता है कि जब पासबुक मिलेगी तो आसमान भी उड़ने लगेगा, क्योंकि जब ATM और चेकबुक मिलने में जो बंदा इतना खुश हो सकता है, उसे अगर पासबुक मिला तो कितना ज़्यादा खुश होगा। ये फुलवारी साहिब का मार्केट, अभी हम लगा चुके हैं फुलवारी गोलंबा के पास। और ये रहा फाइनली गाइस, ये है फुलवारी गोलंबा, ये है फुलवारी थाना का चेक पोस्ट। यहाँ पे हेलमेट के मताना, क्योंकि देखो गाइस, ये भी हेलमेट पहना हुआ है, मेरी हेलमेट पहन रखा है। तो अभी हम लोग रास्ते में, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और अभी बच रहे हैं दोपहर के 1, और हम लोग की 2 बजे तक क्या लगता है कितने देर में पहुँच जाएंगे। वैसे कोशिश तो हमारी रहेगी कि 1 बजे तक तक इसको पहुँच जाए, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे पहुँच सकते हैं फाइनली गाइस, पूरी ट्रैफिक करती है अलीशाबाद गोलम्बो के पास, और यहाँ से लगती हमारे बहुत ट्रैफिक। और इस तरीके से इस तरीके से बाहर निकलता है, वो तो अल्लाह का शुक्र होती कि हमारे पास एक सिस्टम में ड्राइवर होती, जिसके वजह से मेरे को लगती या जिस चीज़ में टाइम को बच जाती। तुम लोग को क्या लगती वाला मेरे को कमेंट में बता दी। फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं पूरी, और बताया इसके पूरी बात की तरफ, और बस हम लोग अपने चीज़ों से ज़्यादा दिख रही बस उसके बाद तो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने एयरलाइन इंस्टीट्यूट के पास। तो फाइनली गाइस, क्लास ऑफ हो चुका है और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा कम बैठ गए हैं अभी, और अच्छे से थोड़ा सा दिख रहा है, उसके थोड़ा सा डर है। और जैसे कि आप देख पा रहे थे कि सुबह में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, और ज़्यादा बच्चे अभी नहीं, जब हमको अलीसा बात की दुबारी साइड में होंगे बहुत ज़्यादा बैठते हैं।
तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर और यहाँ होता है आज के ब्लॉग का एंड। तो अभी हम लोग जस्ट बाइक पार्किंग में ला देंगे और उसके बाद फिर घर के अंदर जाएंगे और फिर जाकर के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा नाश्ता वास्ता, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगा कल। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।